चलिए हम आपको एक बार फिर लिए चलते हैं। ये राजीव चौक का जो बस स्टैंड का जो राजीव प्लाजा के सामने का इलाका है, एक मशीन यहाँ पर खड़ी हुई है और एक बंदा भी यहाँ पर है जो यहाँ काम कर रहा है, देख रहा है। पहले हम इस गड्ढे को देख लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे आपको आगे क्या हो रहा है। ये बड़ा सा पाइप है और ये सीवरेज का काम चल रहा है और इस गड्ढे की गहराई संभवतः अब तक जितने भी गड्ढे हमने देखे हैं उससे सर्वाधिक है। करीब करीब 15 फीट तक इसकी गहराई नजर आ रही है और इसका जो आकार है, जो साइज है, करीब करीब लग रहा है कि 15 फीट से 10 फीट, 15x10 फीट का ये भी गड्ढा है। यहाँ पर फिलहाल काम हो सकता है कि काम चल रहा हो, रुका हो, लेकिन ये भी बीच रोड पर। और ये जो चौराहा है, ये जो पूरा स्क्वायर है, ये बिलासपुर की जान है। बिलासपुर का सेंट्रल ट्रैफिक यहाँ से मूव होता है। यहाँ से नज़दीक में बाईं तरफ हम जाएंगे तो बस स्टैंड, पुराना बस स्टैंड कहलाता है। दाईं तरफ जाएंगे तो पुराना शहर जो कि इकोनॉमी है पूरी बिलासपुर की, और सीधे चले जाएंगे तो अग्रसेन चौक पर जाएंगे। और इस तरफ अगर हम जाते हैं हमारे कैमरे के साथ आप चलिए, तो ये है रेलवे एरिया का, ये पूरा ट्रैफिक यहाँ पर डाइवर्ट, पूरा ट्रैफिक यहाँ परेशान हो जाता है शाम के वक्त। और ये भी वही 2008 से लेकर अब तक लगातार चल रहा है, न जाने कितनी बार खोदा जा चुका है, कितनी बार उसको भरा जा चुका है और काम अभी बाकी है। ये तो काम हो ही रहा है, साथ में यहाँ पर जो है ना घरेलू गैस सिलेंडर जो 14 किलो का जो होता है LPG, उसका भी कमर्शियल इस्तेमाल भेजा हो रहा है, पर्याप्त हो रहा है। कोई देखने सुनने वाला नहीं, कोई संभालने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है, ना कोई सुपरवाइजर नजर आ रहा है, ना कोई और नजर आ रहा है। यानी सीवरेज का कोई माए बाप नहीं, शहर का कोई माए बाप नहीं। जो जिम्मेदार लोग हैं वो चैन की नींद सो रहे हैं और लोग जो हैं, आम लोग हैं, वो परेशान हैं। ये देखिए आप, कितनी सारी मिट्टी खोदी गई, कितना रास्ता बिगाड़ा गया। ठीक है, सीवरेज एक अच्छी चीज, अच्छी योजना, हो सकता है इसके अच्छे नतीजे भी आते, लेकिन आज की तारीख में जिस तरह से इसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है, जिस तरह से एग्जीक्यूट किया गया है, उसको उससे लोग परेशान हैं और बिना प्लान, अनप्लान। इसमें भी आप देख सकते हैं कितने सारी जगहों पर क्या ड्रॉबैक्स हैं कि अंडरग्राउंड जो सप्लाईज है उस पर ध्यान ही नहीं रखा गया है कि कौन का नीचे से वायर निकला है, किसकी क्या स्थिति है, और ये जो मिट्टी धसकने की से रोकने के लिए इसको किस तरह से सपोर्ट दिया गया है, और नीचे पाइपलाइन भी टूट जा रही है, नगर निगम की जो है एक्सचेंज की वायर्स भी कट जा रहे हैं, लेकिन कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई समन्वय नहीं। ये दोपहर का विश्राम कर रहे हैं बेचारे, लगातार काम पर रहते हैं और इस काम को देखते हैं। कब से काम कर रहे हो यहाँ पर? मैं 2 महीने से काम कर रहा हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम आलामीन। यार 2 महीने से गड्ढा है? नहीं, 2 महीने से दूसरा जगह में था। अच्छा, ये कब से है? ये लगभग 10-12 दिन से। 10-12 दिन से? कितना समय और लग सकता है इसमें? इसमें और 10-12 दिन लगेगा तो वहाँ तक जाएगा। अच्छा, एक एक करके खोदते जाओगे? इसकी कोई टाइम लाइन है कि 6 दिन में करना है, 5 दिन में करना है? ऐसा कोई जब जब जी में आया जब तक चले तब तक। तुम्हारा सुपरवाइजर कब आता है यहाँ पर? यहाँ आता है सुपरवाइजर। और कोई ऑफिसर चेक करने आते हैं नगर निगम के वगैरह कोई? तो वो क्या कुछ बोलते नहीं, समय पर नहीं बोल करने को बोलते? पूरा ट्रैफिक रात में तो यार पूरा जाम लग जाता होगा, शाम को लगता है ना जाम, पूरा जाम होता है, होता है जाम थोड़ा बहुत, क्या पूरा वहां तक जाम जाता होगा, और एक ऊपर एक गाड़ियां तो चढ़ नहीं सकती, जाम तो नीचे लगता होगा। कब से काम शुरू करोगे? अभी तो लॉन्च हो रहा है, लॉन्च का बाद फिर चालू हो जाएगा। अच्छा, ये तो आपका 6 दिन का काम है, जब पाइप पुशिंग करना है तो 6 दिन लगेगा, 6-8 दिन। ये सीधा जो है, ये जो रूट है यहाँ से सीधा चला जाएगा ना आगे, वहाँ तक चला जाएगा। हाँ, वो जुड़ेगा, फिर वो वहाँ जुड़ेगा। यानी अभी अगला गड्ढा, बिलासपुर के लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। जो पीपल का पेड़ है, ये जो चौराहा है जहाँ पर श्याम प्रसाद मुखर्जी की जो स्टैच्यू लगी हुई है, उसके हम अगर देखते हैं, पुराना बस स्टैंड तरफ जाते हैं, तो आप तैयार रहिए। हो सकता है कि यहाँ पर आपको अगले 2-3 दिन 4 दिन बाद एक गड्ढा दिखाई दे, और करीब करीब 10 दिन तक वो गड्ढा जैसा का तैसा रहे, और आप जानिए आपको जहाँ से जाना हो। इसके बारे में हमसे या हमारे अधिकारियों से, नगर निगम से, या यहाँ के जो विधायक हैं, हमारा अग्रवाल मिनिस्टर हैं, उनसे कोई बात मत पूछिएगा आप, क्योंकि अगर आप पूछेंगे तो आप खराब हो जाएंगे और आपकी इमेज बनेगी कि आप जो है एंटी डेवलपमेंट है, एंटी अमर अग्रवाल है, इसलिए ये सवाल मत कीजिएगा। बहरहाल, आप पत्रिका अखबार में इस पूरी खबर को पढ़ते रहिए, देखते रहिए लगातार सीवरेज पर एक महा कवरेज। मेरे साथ हैं सतीश यादव और दिव्यन्दु सरकार, और इस पूरी खबर को हम बता रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं अखबार के जरिए। साथ में आप ऑनलाइन पत्रिका.com पर जाकर भी इसको लगातार पढ़ सकते हैं, इसकी वीडियो, ऑडियो, इमेजेस सब कुछ आप देख सकते हैं, सीवरेज का पूरा पूरा इतिहास, पूरा भूगोल, पूरा समाजशास्त्र, देखिए पत्रिका.com पर।